कानपुर पनकी नहर पर छठ पूजा करने आई महिलाओं और श्रद्धालुओं के धार्मिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट फाउंडेशन और पूर्वांचल भोजपुरी छठ पूजा सेवा समिति द्वारा छठ पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम 2021 का आयोजन किया गया। रात भर चलने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में और प्रमला पांडे उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार समेत कई जनप्रतिनिधियों और समिति के सदस्यों ने के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक सतीश निकम और बार एसोसिएशन से अध्यक्ष बलजीत यादव, संतोष सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी ने दीप जलाकर की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायकों द्वारा भोजपुरी गीतों के साथ भगवान की झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। छठ मैया को समर्पित ये प्रोग्राम पूरी रात भर भोजपुरी गायक के द्वारा आयोजित होगा और दोपहर को समाप्त होगा। आज सपोर्ट फाउंडेशन एवं पूर्वांचल भोजपुरी सेवा समिति द्वारा छठ पूजा के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजपुरी लोकगीत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि छठ के सारे गाने, देवी गीत और रंगारंग कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मनोरंजन करेंगे। ये लोकगीत बहुत सालों बाद अब कानपुर में आया है और इसे हम हर साल प्रायोजित कराएंगे सेवा समिति के द्वारा। इस प्रोग्राम जो हो रहा, जागरण का प्रोग्राम हो रहा छठी मैया के उपलब्ध में, और जो है यहाँ का जो स्थापना किया था गया था मिस्टर विजय यादवर्गीय, ये विजय यादव ने करा था, और उसी को हम लोग जो है अब की जो है गत वर्षों के अनुसार अब की जो है डेढ़ा भीड़ था, कभी 1.5 लाख आदमी तीर्थयात्री यहाँ आया था, और ये यही भीड़ कल सुबह भी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।